डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? ए टॉय कार ऑफ मास 5 केजी मूव्स अप ए रैंप अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एफ प्लॉटेड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट एक्स. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज गिवन बाई. ओके, दो फिगर भी बनी हुई है साथ में बच्चों, जिसमें एक कार एक रैंप पर चलती हुई नजर आ रही है. ओके, जहां पर एक्स इज इक्वल टू 11 मीटर लिखा हुआ है. ठीक है, और एक दूसरी फिगर में ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसमें एफ और एक्स का रिलेशन दे रखा है स्ट्रेट लाइन फैशन का. इस क्वेश्चन को जब भी मैंने बच्चों को कराया, उनके पास कुछ कंफ्यूजन रहे हैं. वो कंफ्यूजन ये है कि भाई एफ और एक्स के बीच में एंगल कितना है. तो जवाब यह है कि बच्चों, एफ और एक्स के बीच के एंगल को जानने में आपको इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए. उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट एफ और एक्स का आपको क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है. ओके, एक बार जरा ग्राफ को जरा ध्यान से देख लेते हैं बच्चों, बातें आसान हो जाएंगी. दिस इज एफ, दिस इज एक्स, और स्ट्रेट लाइन फैशन में ये फोर्स ड्रॉप हुई है 100 न्यूटन से 11 मीटर तक. क्या बात क्लियर है? अब इनके बीच में एंगल कितना था, ये जानने में इंटरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए. 0 मीटर से लेकर 11 मीटर तक ये एक्स पॉजिटिव है, और 0 न्यूटन से 100 न्यूटन तक ये जो फोर्स है ये भी पॉजिटिव है. इनके बीच का डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है आपको, तो इसलिए आपको एंगल जानने की कोई जरूरत नहीं है इनके बीच में. आपको वक्गन ही तो निकालना होता है. वक्गन आप क्या करिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, तो वक्गन बाय द फोर्स आ जाएगा. क्या बात क्लियर है? इस वक्गन, सबसे पहले वक्गन निकाल लेते हैं. वक्गन बाय दिस फोर्स एफ is equal to कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एरिया अंडर दिस एफ एक्स कर्व. ओके, स्ट्रेट लाइन है, हमको इंटीग्रेशन यूज करना चाहिए था, लेकिन हम सीधे सीधे ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको. इंटीग्रेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है. हाफ इंटू बेस कितनी है, 11 मीटर्स, इंटू हाइट कितनी है, 100 न्यूटन्स. ओके, सीधा सीधा वर्क आ जाएगा 550 जूल. अब देखिए कंसेप्ट क्या है, यहां पर कितनी फोर्सेस वर्क कर रही हैं. तो क्योंकि मास दे रखा है, इसलिए हमको ये एक तरह से बता रखा है कि यहां पर भैया ग्रेविटी काम कर रही है, उसकी हाइट चेंज हो रही है, क्योंकि क्लियर है. और ये एफ काम कर रही है. वर्क जब भी होता है हमेशा पेयर में होता है. कैसे होता है? पेयर में होता है. तो एक फोर्स काम कर रही है तो किसी फोर्स के अगेंस्ट पर काम कर रही होगी. क्या बात क्लियर है? ओके, तो किस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है, ये बेसिकली वेट के अगेंस्ट काम कर रही है. क्या बात क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्क हुआ है, ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है. तो यही बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्राउंड को हम ग्राउंड को रेफरेंस ले लें, तो यही बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा. तो हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ एंड इट इज इक्वल टू 550 जूल. गॉट द पॉइंट? And this potential energy is equal to mass into g into h. क्योंकि यहां पर जाके ये रुक गई है, ये x बढ़ना बंद हो गया, तो हम इसको hmx बोल देते हैं. ये maximum height पे पहुंच गई होगी. यही हमसे पूछा भी है बच्चों. And it is equal to 550 joule. m की जगह बच्चों 5 रख दें, g की वैल्यू क्योंकि यहां पर दे नहीं रखी, तो आप 10 रखिए. ओके, 10 रखा, और hmx की वैल्यू आपको बेसिकली बच्चों निकालनी है. And it is equal to 550 joule. What the point? 0 से 0 गया, ये 5-5 दो बार लिखा है, 11. Hence H max is equal to 11 meter. Okay? This is the correct answer. Okay? तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, एक बात और मैं खास बता दूं, इस 11 मीटर का, इस 11 मीटर से आप कंफ्यूज नहीं होना. बात समझ में आ रही है कि हमेशा वहां पर 11 देखा तो 11 रख दें, वेल चीजें बदल देंगे ना अगर, तो दिक्कत हो जाएगी. ओके, तो ये इसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन है. आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.